हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी विक्टस FB0108AX। जी हाँ, आज थोड़ा मैं एक्साइटेड हूं, क्यों? मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं वो गेमिंग विक्टस लैपटॉप है। आप ये मत कहिएगा, विक्टस की तो पहले भी आप कई बार बना चुके हो, लेकिन आज मैं बनाने जा रहा हूं, ग्राफिक्स भी AMD का ही है। जी हाँ, 6500M RX 6500M 4GB ग्राफिक्स का ग्राफिक्स इस लैपटॉप में आपको मिलेगा। ये मैं आपको दिखाता हूं। जी हाँ, HP विक्टस। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो Ryzen 5 है 5600H के साथ, 8GB रैम, 512GB SSD और 4GB RX 6500M ग्राफिक्स। जी हाँ, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी हम नई ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और काफी टाइम से लेके आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस लैपटॉप का भी हम बैक पैनल ओपन करेंगे, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे काफी व्यूअर्स की ये डिमांड रहती है कि आपको लैपटॉप कहां से मिलते हैं कहां से नहीं। तो मैं आपको पहले बताता हूं, तो हमें अनबॉक्स करने के लिए लैपटॉप कंपनी से ही मिलते हैं। जैसे ये एचपी का है तो हमें एचपी ने प्रोवाइड कराया है एएमडी के सपोर्ट के साथ, और ये लैपटॉप डायरेक्ट हमें एचपी प्रोवाइड नहीं कराता, हमें किसी ना किसी डीलर के थ्रू ही मिलता है। जैसे ये लैपटॉप हमें मिला है करोलबाग में, ओमेन प्लेग्राउंड एचपी वर्ल्ड है जिसके थ्रू हमें ये लैपटॉप मिला है। हम इसको अनबॉक्स करने के बाद, क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स की डिमांड में थी आप अनबॉक्स करने के बाद क्या करते हैं, तो अनबॉक्स करने के बाद ये लैपटॉप वापस कंपनीज में चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने जो अभी अनबॉक्स किया है। तो एज यूजुअल पावर कोड, प्रीमियम पावर कोड मिलती है, 150 वाट का पावर एडेप्टर राउंड पिन के अंदर, टाइप सी नहीं है, 150 वाट का जो गेमिंग लैपटॉप है, इसलिए आपको एक मैनुअल आपको मिलता है। तो दोस्तों ये है लैपटॉप जो एचपी विक्टस गेमिंग लैपटॉप आज हम लेके आए हैं, माइका सिल्वर कलर के अंदर ये लैपटॉप है। देखिए जितने भी अगर मैं बात करूंगा विक्टस में अभी तक अनबॉक्स कर चुका हूं या मैं देख चुका हूं, मोस्टली सबकी लुक एक जैसी है, सबकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। अगर डिजाइन की बात करूंगा तो डिजाइन आप बैक साइड से देखें या साइड से देखें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन एचपी ने अपनी विक्टस सीरीज के अंदर दी है। दोस्तों लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं, गेमिंग लैपटॉप है, मोस्टली गेमिंग लैपटॉप आप एक हाथ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लैपटॉप जब आप ओपन करते हैं तो हमेशा सेंटर से करिएगा, साइड से नहीं करेंगे। अगर साइड से करते हैं तो इसके हिंजेस कुछ टाइम में खराब हो जाएंगे। तो लैपटॉप को बूट अप करते हैं और देखते हैं पहले लैपटॉप में एचपी ने क्या क्या पोर्ट्स आपको दिए हैं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में जो आपको सबसे पहला पोर्ट दिखाई देगा वो है HDMI 2.1 आपके प्रोजेक्टर और एलईडी टीवी कनेक्ट करने के लिए। दूसरा पोर्ट आपको दिखाई देगा सुपर स्पीड यूएसबी टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। तीसरा आपको दिखाई देगा जो आपको फील होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये RJ45 कनेक्टर है, जो थोड़ा सा नीचे करेंगे RJ45 आपका लैन पोर्ट के लिए, गेमिंग लैपटॉप है तो जरूरी है इस पोर्ट का होना। एक पोर्ट जो आपको और दिखाई दे रहा है वो है सुपर स्पीड यूएसबी टाइप सी 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। लैपटॉप के राइट साइड में आपको पहला पोर्ट जो दिखाई देगा वो चार्जिंग के लिए है। दूसरा पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है सुपर स्पीड यूएसबी टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ और कॉम्बो ऑडियो जैक 3.5mm का, जिसमें आप स्पीकर और हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और एक है SD कार्ड रीडर जो आपको राइट साइड में लैपटॉप के मिलता है। दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सबसे पहले प्रोसेसर देखेंगे AMD Ryzen 5 5600H विद Radeon ग्राफिक्स के साथ आपको ये लैपटॉप मिलता है, जिसकी बेस स्पीड 3.3 GHz है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये मैक्सिमम इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 4.2 GHz। इसके जो कोर हैं वो 6 कोर हैं और 6 के 6 जो हैं वो परफॉर्मेंस कोर हैं। देखिए इंटेल के जो कोर्स होते हैं कभी हमेशा याद रखिएगा, देखिए हम Ryzen 5 को कंपेयर करते हैं इंटेल के i5 प्रोसेसर के साथ। जैसे अभी इंटेल i5 में जो प्रोसेसर आ रहा है वो 12450H और 12500H आ रहा है। 12450 पे जैसे 10 कोर और उसमें 12 कोर होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं Ryzen के 5600H के साथ, तो काफी लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि वो 10 और 12 कोर का प्रोसेसर ये 6 कोर के प्रोसेसर के साथ कैसे कंपेयर करेगा।
लेकिन जैसे जब भी हम वीडियो बनाते हैं और प्रोसेसर की डिटेल देते हैं, तो हम हमेशा बता देते हैं कोर्स के बारे में कि 4 कोर और 8 कोर या 4 कोर और 6 कोर। मोस्टली इंटेल में आप देखेंगे 10 कोर के प्रोसेसर में, जो 12450H प्रोसेसर आता है, उसके अंदर 4 और 6 कोर होते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर और 6 एफिशिएंट कोर। ऐसे ही 12500 में भी 4 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंट कोर। लेकिन जो एएमडी अपने प्रोसेसर में देता है, वो सारे के सारे परफॉर्मेंस कोर हैं। तो 6 कोर का सॉरी 6 कोर का आपका प्रोसेसर है, 6 के 6 परफॉर्मेंस कोर आपको इसमें मिलते हैं। और 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है एएमडी का, 4 नैनोमीटर का भी लॉन्च कर चुका है, लेकिन मोस्टली अभी जैसे इसमें अगर हम देख रहे हैं 5600H में, तो वो 7 नैनोमीटर, 7 या 6 नैनोमीटर के प्रोसेसर मिलते हैं। ये 7 नैनोमीटर का है। लॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे तो 12 है, और L3 कैशे बात करेंगे तो 16 MB की आपको इसमें L3 कैशे मिलती है। मेमोरी देखेंगे 8 GB की रैम है, DDR4 3200 MHz की रैम लगी हुई है, स्लॉट 2 हैं, दोनों के दोनों यूज्ड हैं, इसका मतलब 4 4 GB की 2 रैम आपको इसमें मिलती है। जब लैपटॉप को ओपन करेंगे तो आपको दिखाएंगे। डिस्क की बात करते हैं, 512 GB सैमसंग की आपको SSD मिलती है, 477 GB इसमें आपको मिलती है कैपेसिटी। वाईफाई आपको 6E इसके अंदर मिलता है। ग्राफिक्स की बात करेंगे तो देखिए, AMD रेडियन, जैसे कि मैं बताया था, एक्साइटेड हूं, हम पहले एनवीडिया के साथ अभी तक अनबॉक्स कर रहे थे, ये लैपटॉप RX 6500M के साथ आपको मिल रहा है। डेडिकेटेड GPU 4 GB का इसमें, शेयर 3.7, टोटल मिला के 7.7 GB इसके अंदर। मैं बता दूं कि जैसे इंटेल में USD ग्राफिक्स होता है, लेकिन उसके अंदर डेडिकेटेड मेमोरी कोई नहीं होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं GPU 1 में AMD रेडियन ग्राफिक्स है, जिसकी डेडिकेटेड GPU मेमोरी है 512 MB और शेयर 3.7 GB। देखिए, डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी है इसके अंदर 6500, और प्रोसेसर के अंदर जो अपनी 512 ग्राफिक्स मेमोरी होती है वो भी है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस बनती है, तो वो आपको बेटर देती है। अगर आप राइजन 5 के साथ GTX 1650 ग्राफिक्स के साथ जाएंगे, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितनी आपको परफॉर्मेंस AMD के ग्राफिक्स के साथ और AMD का प्रोसेसर AMD के ग्राफिक्स के साथ मिलती है। जो वॉइस आप अभी सुन रहे थे, वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी, जिसका मकसद ये कि आपको पता चल जाए कि माइक की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप है, तो चलिए गेम प्ले करके देखते हैं क्वालिटी कैसी आपको मिलती है गेम में। Waiting and always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले देता है, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 है, आईपीएस डिस्प्ले है, माइक्रो एज और एंटी ग्लेयर है, 9 ms का रिस्पांस टाइम है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट, 250 nits और 45% एनटीएससी के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। अगर हम कैमरे की बात करें तो एचपी वाइड विजन 720p एचडी कैमरा विद टेंपल नॉइस रिडक्शन के साथ आपको इसमें मिलता है, साथ में इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन भी आपको इस लैपटॉप में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप का बैक पैनल खोलने का समय हो गया है, लैपटॉप का बैक पैनल को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, देखते हैं इसके पार्ट्स कहां कहां पे लगे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ प्रोसेसर और ग्राफिक्स दोनों लगे हुए हैं, जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। गेमिंग लैपटॉप है तो 2 फैन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे ही। प्रोसेसर और ग्राफिक्स यहाँ लगे हुए हैं, 4 4 GB की 2 रैम आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो इन दोनों को रिमूव करके 8 8 GB की रैम आप इसमें लगा सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है 512 GB की आपको SSD, यहाँ पे वाईफाई है,
अगर आप देखेंगे तो 3 सेल की बैटरी आपको इसमें मिलती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी है। और अगर हम वर्क आवर्स की बात करेंगे तो 52 वर्क आवर्स की बैटरी है, आपको नॉर्मली 5 घंटे के आसपास इसका बैकअप मिल जाएगा। अगर स्पीकर देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स 2 लगे हुए हैं और इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा रैम या SSD लगाने के लिए। आज हमने अनबॉक्स किया विक्टर्स 100108AX जो राइजन 5 के साथ है, 8GB 512MB SSD के साथ, और जो इसमें सबसे बड़ी खासियत है रेडियन AMD रेडियन ग्राफिक्स RX 6500M 4GB का ग्राफिक्स है। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब आप AMD का प्रोसेसर ले रहे हैं अगर उसके साथ ग्राफिक्स भी आपको AMD का मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। परफॉर्मेंस आपको बहुत बेटर मिलेगी एक ही कंपनी का प्रोसेसर उसी कंपनी का ग्राफिक्स जो सिर्फ AMD आपको दे सकता है। बात करेंगे वर्किंग की, देखिए गेमिंग लैपटॉप है, आपने जो काम करना चाहे आप इस पे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा ध्यान रखिएगा 100% sRGB नहीं है। अगर आपको कलर क्लैरिटी चाहिए तो वो आपको इस लैपटॉप में नहीं मिलेगी। अदरवाइज आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपने कोडिंग करनी है, आपने हैवी गेमिंग करनी है, आप कोई भी काम इसमें कर सकते हैं, एडिटिंग करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और हमने आपको बताया जैसे कि आप इस लैपटॉप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, रैम आप इसकी इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, 4 4GB की रैम लगी हुई है, आप रिमूव करके 8 8GB की 2 रैम आप इसके अंदर लगा सकते हैं। HP इसमें आपको विंडोज 11 SL लाइफ टाइम के लिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट वो भी लाइफ टाइम के लिए देता है। काफी व्यूअर्स की हमारी डिमांड रहती है सर आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बताते, तो मैं आपको बता दूं हम जितने भी लैपटॉप अनबॉक्स करते हैं 99% सबके अंदर विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिलता है, इसलिए हम ये इंक्लूड करना हर बार भूल जाते हैं। हम कोशिश करेंगे हर बार इसको भी इंक्लूड अपनी वीडियो में कर ले। देखिए बात करेंगे प्राइसिंग की, लैपटॉप आपको लेस देन 60,000 की प्राइसिंग रेंज में मिल जाता है। जी हाँ, HP ने इसको 59,000 में लॉन्च किया है। प्राइसिंग बहुत ही बहुत बेटर है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, 16GB रैम आप इसमें कर लेंगे तो ये आपका रॉकेट हो जाएगा लैपटॉप। स्टार्टिंग रेंज के अंदर इससे बेटर लैपटॉप मैंने नहीं देखा है। आप जब भी लैपटॉप लेने जाए तो इस लैपटॉप के बारे में जरूर पूछिएगा। HP इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी दे रहा है ऑन साइट, अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप अपग्रेड करा सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको ऑफर्स HP देता रहता है। एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन भी आप चाहें तो ले सकते हैं, और हमेशा जब भी वारंटी एक्सटेंड कराएं या एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन लें तो हमेशा ही हमेशा उसी ब्रांड की लीजिएगा जिस ब्रांड का आप लैपटॉप ले रहे हैं, जैसे HP है तो आप इसी उसी ब्रांड की आप एक्सटेंडेड वारंटी भी लीजिएगा, थर्ड पार्टी लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और वारंटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, हम आगे भी ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर अभी भी हम कुछ इस पे कवर करना रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कर दीजिएगा, मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।